मैंने कहा था कि आज की इस मुझे आदत है कि वीकली प्रोसेस पर मुझे अबे कहने लगा था आज की असल में कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस हिस्ट्री और सब कोटे की वीडियो में मिलेगा कि बहादुर शाह जफर गिरफ्तार हो चुका है। मुझे ये कहने का कायदे आजम मेरा जानी पैदा हो गया, जानी ने पाकिस्तान बना लिया है। असलम गाइस कैसे हैं आप लोग। तो या हाँ यार मैं मानता हूँ 5 महीने बाद मैं वापस आया हूँ। कुछ लोग तो भूल गए होंगे कुछ टाइम, कुछ लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो मेरी देख रहे हैं। और यार मैं पहले मेरा दिल नहीं कर रहा था, इतनी मैंने बना ली थी हिस्ट्री पे, सर्च करना पड़ता है, वो टाइम नहीं था, पेपर शुरू हो गया, उसके बाद मेरा दिल नहीं किया, फिर मैं भूल गया, पर अचानक याद आया तो फटाफट मुझे दोबारा रिसर्च करनी पड़ी। तो ये आपके सामने हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट 712 से लेकर अब तक, और आज इसकी लास्ट किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 20 सितंबर 1857 को बरतानवी फौज लाहौर पर चढ़ाई कर गई। लाहौर के जो दरवाजे हैं, लाहौर गेट से उन्होंने लाहौर में चढ़ाई कर दी। बहादुर शाह जफर को उन्होंने गिरफ्तार कर दिया। और क्या आप जानते हैं कि बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने वाला कौन था? विलियम हडसन। कैप्टन विलियम हडसन ने जहांगीर के मकबरे से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून, यानी जो आज यंगून जिसको आप कहते हैं, बर्मा, जिसको आज हम म्यांमार कहते हैं, वहां पर गिरफ्तार कर लिया। और जेल की सलाखों के पीछे बहादुर शाह जफर ने अपनी आखिरी जिंदगी गुजारी। 90 साल जिंदगी गुजार कर बहादुर शाह जफर इंतकाल कर गए उस जेल में, जहां पे उन्होंने गजल भी लिखी। अब बहादुर शाह जफर खत्म, दौर में सुपर पावर थी मुगलिया सल्तनत, वो खत्म हो चुकी। बरतानिया का पूरा कब्जा अब पूरे बड़े सगीर पे अब हो चुका है। पूरे बड़े सगीर के मुसलमानों पर धावा उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, एक से बढ़कर एक मुसलमान कत्ल करना शुरू कर दिया, मुसलमानों की जागीरें छीन कर हिंदुओं को देना शुरू कर दी। और पंजाब में, पूरे पंजाब में, क्योंकि सिखों का राज था, वहां पर सिखों ने मुसलमानों पर हमला करना शुरू कर दिया, उनकी जागीरें छीन के अपने सिखों को देना शुरू कर दी। और मुसलमानों का ब्लैक एरिया, ब्लैकेस्ट एरिया 1857 से शुरू हो गया। ठीक 19 साल बाद 1876 को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कराची में पैदा हो गए। 9 साल के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस एओ ह्यूम ने दरियाफ्त कर ली। और ये मैं आज आपको बता दूं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्स ये हिंदुओं की नहीं थी, ये तो वहां पर जिनको हिंदी में साम्राज्य कहते हैं, उन्होंने अपने लिए और हिंदुओं के लिए ये पार्टी बनाई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 21 साल बाद AIML, या जिसको आप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहते हैं, ढाका में उसका इफ्तिताह कर दिया गया, जिसको आज आप ढाका कहते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जब बनी वो, तो हर साल गुजरने के साथ साथ हिंदुओं की जो पकड़ थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में मजबूत होती गई। वो ब्रिटिश जो सोल्जर्स थे और जो ब्रिटिशर्स थे, उनको यकीन दिलाते रहे कि आप हमें पार्टी में यस कराते रहें और हम आपके साथ मुसलमानों को मारने में पेश पेश रहेंगे। 2 अगस्त 1909, एक दुबला पतला नौजवान अंजुमन इस्लाम, जो कि मुंबई, जिसको आप कदीम दौर में आप बॉम्बे कहते थे, एक किरारदाद पेश कर दी। उस टाइम कोई नहीं जानता था कि ये नौजवान शख्स एक मुल्क बना डालेगा। हुकूमत से मुतालबा किया कि आप मुसलमानों को उनके अलहदा इलेक्टोरेट से, जहां जहां मुस्लिम अक्सरियत है, आप वहां पर मुस्लिम लीडर्स की मुशावरत से आप यहां पर मुस्लिम सीटें बनाए। उन्होंने अपना सियासी करियर पहले कांग्रेस से शुरू किया, क्योंकि वो चाहते थे कि मुसलमान और हिंदू आपस में भाई भाई रहें, और हम दोनों मुसलमान और हिंदू मिलकर ये जो बरतानवी साम्राज्य, जिसको हिंदी में कहते हैं, या बरतानवी राज, इसका कला कमा कर दें। लेकिन थोड़े ही साल बाद कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह को ये एहसास हुआ कि ये जो आपने ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई है ना, ये सिर्फ हिंदुओं की पिट्ठू है। लिहाजा कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फैसला बदला और मुस्लिम लीग में आ गए। 1913 में कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। शमूलियत इख्तियार करने के ठीक 1 साल बाद World War I, जंग अजीम अव्वल शुरू हो गई। ये आप याद रखिएगा कि सल्तनत उस्मानिया के साथ 2 यूरोपियन कंट्रीज पे थे, जिसमें से एक जर्मन और दूसरा बल्गारिया था। दूसरी तरफ जो उनसे लड़ाई लड़ रहे थे वो थे रशियंस, फ्रेंच और बरतानवी। आप ये समझ लें
कि तुर्कों की और रूसियों की एक कदीम लड़ाई है, इनकी एक जमाने से लड़ाई चल रही है जो कि अब दोस्ती में बदल गई है अर्दोगान की पॉलिसीज की वजह से। दिसंबर 1916 लखनऊ मायदा, ये पैक्ट आप समझ लें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और AIML यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दरमियान एक मुआहदा तय हो गया, और ये दोनों पार्टीज ने ज्वाइंट सेशन अटेंड किया लखनऊ में। इस मुआहदे के जरिए से दोनों पार्टीज को इजाजत मिल गई कि आप अपने मुकन्ना सूबों में यहाँ पे आप अकलियत में हैं, आपको इजाजत दी जाती है कि आप अपनी अकलियतों की नुमाइंदगी करें। और इसी मुआहदे के बाद कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह को अमन का सफीर का खिताब मिल गया, जब बड़े सगीर के मुसलमानों को दिखना शुरू हो गया कि एक जो हमारी रियासत है जो कि जो 20वीं सदी तक सल्तनत उस्मानी, बस अब नाम का सल्तनत रह गई थी, वो बिल्कुल डब्बा और खाली हो चुकी थी, उसके पास वो पॉलिटिकल पावर और वो इकोनॉमिकल पावर्स नहीं थी, सल्तनत उस्मानिया खत्म हो रही है, कहीं से आवाज नहीं उठी सिवाय बड़े सगीर के मुसलमानों ने इसके खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। ना सिर्फ आवाज उठाई, उन्होंने बल्कि अपनी जानें भी पेश की, अपनी मालो दौलत भी दी। 28 अगस्त 1928 नेहरू रिपोर्ट आ गई, इसके 7 पॉइंट थे जो कि नेहरू ने हिंदुओं के लिए बनाए थे कि जो अच्छे हिंदुओं की भी जाते हैं, अछूत हिंदू भी बहुत ज्यादा हैं, वो हिंदू अछूत हिंदुओं को नहीं पूछते, तो जो अच्छे लेवल के जो हिंदुओं से उन्होंने उनके लिए कानून बनाया कि ये जो अपर स्टेट हिंदूज हैं सिर्फ ये खुश रहे, बाकी पूरा सब कॉन्टिनेंट जाए भाड़ में। मार्च 1929 यानी कि नेहरू रिपोर्ट के तकरीबन 6 से 7 महीने बाद कायदे आजम के मशहूर 14 निकात सबके सामने मंजरनाम पे आ गए, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के हकूक को जाहिर किया, उन्होंने एक एक पॉइंट्स की नफी की और 7 पॉइंट्स अपने से इजाफा करके डाले। इसका लब लबाब ये था कि कायदे आजम के 14 पॉइंट्स ने नेहरू के 7 पॉइंट्स के ऊपर मात दी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की सियासी करियर का आप समझ लें ये एक बोनस पॉइंट था। 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1930 से 1932 के दरमियान में हुई, तीनों फेल हो गई। इन ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस का मुआहदा इसलिए कराया गया था ताकि पूरे बड़े सगीर में अमन हो सके, लेकिन बरतानवी हुकूमत, बरतानवी साम्राज्य और हिंदुस्तानी साम्राज्य या हिंदुस्तानी हुकूमत फेल हो गई। 28 जनवरी 1933 वो दिन था कि जब मुसलमानों के अलग वतन के लिए पूरे मुसलमानों ने एक कदम आगे बढ़ा लिया, और ये वो तारीख, वो अजीम तारीख है कि जिसमें एक अलहदा मुमलिकत का नाम नाउ और नेवर पैम्फलेट में पाकिस्तान का नाम शाया हुआ। और नाम शाया किसने किया? चौधरी रहमत अली ने। उन्होंने ये नाम फारस के 2 हरफ पाकुरस्तान से निकाला, पाकिस्तान का लफ्ज पाक लोगों की रहने की जगह। 4 साल बाद इलेक्शंस हुए 1937 के, जिसमें कांग्रेस भारी अक्सरियत लेके दोबारा सब कॉन्टिनेंट पर काबिज हो गए, वो जिससे वो डरे हुए थे उनका खर्चा थोड़ा कम हो गया। दूसरी जंग अजीम वर्ल्ड वार टू स्टार्ट हो गई। आप ये समझ लें कि ये वर्ल्ड वार टू अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के लिए रखी है, मतलब वर्ल्ड वार टू का जो मकसद था मेरी नज़र में वो यही है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान बन जाए। जब वर्ल्ड वार टू का आगाज हुआ तो इंग्लैंड जर्मन से या प्रूशियंस, वो अपने आप को प्रूशियंस कहते थे, नार्जियों से हारना शुरू हो गए। इंग्लैंड के लिए ये इतना मुश्किल था कि दूसरी जंग अजीम में नार्जियों ने लंदन को तहस नहस करके रख दिया। लंदन इतना तहस नहस हो गया उसकी शक्ल नहीं पहचानी जा रही थी। ताजे बरतानिया को फिक्र लाख हो गई कि अगर हम दोनों जगहों पर मुसलत रहते हैं, मतलब सब कॉन्टिनेंट में भी और इंग्लैंड में भी, तो ये ना हो कि हम सफाई हस्ती से मिट जाए। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह को ये चांस दिख गया, उन्होंने सोचा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारी एक, आप समझ लें कि एक मदद है कि अब इंग्लैंड फंस चुका है और अब उनकी जख्मों पर नमक पाशी करने की ज़रूरत है। कायदे आजम ने वही किया, और इसी चीज़ को देखते हुए 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान में लाहौर रेजोल्यूशन पास करा दिए। इसको हिंदुओं ने, हिंदुस्तानियों ने इतना तंग किया कि वो पाकिस्तान है, वो नाम चेंज करके पाकिस्तान रेजोल्यूशन यानी कि करारदादे पाकिस्तान रख ली गई। और इसकी याद में नसीरुद्दीन मुराद खान साहब ने मीनारे पाकिस्तान तामीर करवा दिया, जो कि आज बड़ी शानो शौकत से और फखरिया तौर पर मिंटो पार्क यानी ग्रेटर इकबाल पार्क में कायम है। बरतानिया, ताजे बरतानिया और
हिंदुस्तान की ज़ेर तसल्लुत एक कॉन्फ्रेंस शिमला में की गई। ये शिमला हिंदुस्तानी शहर है, शिमला वादी नुमा भारतीय शहर है और बहुत खूबसूरत शहर है। यहाँ पर वायसराय लॉर्ड वेवल को बुलाया गया, कायद आज़म से मुलाकात की गई, लेकिन ये जो प्लान था कि किसी न किसी तरीके से रोक लें, शिमला कॉन्फ्रेंस का नाम जिसको दिया गया, ये शिमला कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गई। अगले साल आम इंतखाबात करवा दिए गए, जनरल इलेक्शंस ऑफ 1945-1946। आप ये समझ लें कि इस इलेक्शन ने जो थोड़ी बहुत बरतानिया में और इंडिया में जो एक थोड़ी बहुत उम्मीद रह गई थी कि नहीं ये रुक जाएगी, उस पर बिल्कुल पानी फेर के रख दिया और बता के रख दिया क्या मत आ जाए पाकिस्तान बन के रहेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भारी अक्सरियत से पूरे बड़े सगीर में कामयाब हो गई, उन्होंने 30 सीटें हासिल कर ली जो कि पूरे मुसलमानों का 95% था। प्रोविंस सूबाइत में उन्होंने 95% सीटें ली, आपकी जो कैपिटल सीट्स थी आपकी वो 100% मुस्लिम लीग ले गई और यूं भारी अक्सरियत से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पूरे सब कॉन्टिनेंट पर काबिज हो गई। अब आप यूं समझ लें कि अब एक काम रह गया था कि अब तकसीम हिंद रह गया था। इसके लिए 16 मई 1940 को काबीना मिशन प्लान तजवीज़ की गई और वो हुआ, यानी जिसको आप कहते हैं कैबिनेट मिशन प्लान 1946 16 मई। ग्रुप ए में कौन कौन से आपके शहर शामिल थे, मद्रास जिसको आज आप चेन्नई कहते हैं, यूपी, बॉम्बे जिसको आज आप मुंबई कहते हैं, बिहार, उड़ीसा जिसको आप उर्दू में अड़सिया कहते हैं और सीपी। ग्रुप बी में आपके पाकिस्तान से पंजाब, सिंध और NWFP सूबा सरहद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को शामिल कर दिया गया। उस टाइम बलूचिस्तान एक आज़ाद रियासत थी, बाद अज़ाब बलूचिस्तान भी इसमें शामिल हो गया था। और ग्रुप सी में आपके बंगाल और असम शामिल था जो कि उस टाइम पाकिस्तान का ही हिस्सा थे। और एक बहुत लंबी स्ट्रगल, 7 साल की जद्दोजहद, अनथक मेहनत, कायद आज़म ने इसमें अपनी बिल्कुल सेहत की परवाह नहीं की, वो टीबी के भी शिकार हो गए लेकिन उन्होंने किसी को पता चले नहीं दिया। वो बाद में जब वो फोत हो गए, बाद में उनके डॉक्टर ने इराज अफशा कर दिया। आपका सब कॉन्टिनेंट बड़े सगीर दो ममालकों में तकसीम हो गया। और क्या आप जानते हैं पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले किस मुल्क में लड़ाया गया, फ्रांस में। यार वही फ्रांस है जिसके आज पाकिस्तान से ताल्लुकात बहुत ख़राब है और तुर्कों से भी कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है। और ये वही फ्रांस है जिसने जब पाकिस्तान वजूद में आया था तो सबसे पहला झंडा इसने हमारा अपने मुल्क में लहराया था। अब पाकिस्तान बन चुका था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस मुल्क के फर्स्ट गवर्नर जनरल की हैसियत से मुल्क के सरबराह बन चुके थे। 1948 में जब इसराइल वजूद में आया उसी टाइम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कह दिया था कि ये एक इलीगल स्टेट है और पाकिस्तान कभी किसी इलीगल स्टेट को तस्लीम नहीं करेगा क़यामत तक, जब तक या इसराइली यहाँ से चले ना जाएँ या वो फ़िलिस्तीनियों को उनका हक ना दे दें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, हिस्ट्री सब कॉन्टिनेंट पता है 5 महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ यार, मेरा भी कुछ सोचा ना, मैंने भी बड़े काम करने थे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। Bitch, you wanna vibe in a high zone, yeah. Bitch, you want a piece of the pie. Shitty bitch, won't you get excited? I'm too drunk and high for this shit, baby. I'm young and vital, my trip heavy.